आलम बना, खुश नसीबों का शहजादी नसीब। नसीब मुबारक हो जहां बना, हजार बार मुबारक, दस हजार मुबारक आलम बना। बधाई स्वीकार हो महाराज, बड़ी कामनाओं के बाद राजमहल में लक्ष्मी पधारी है। तो जहां के मालिक, आपने हमारे दिल की सबसे बड़ी आरजू पूरी कर दी। भंबोर के तख्त ताज को उसका वारिस मिल गया। बेशक आज हम अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझते हैं। इस खुशी के मौके पर हुजूर की तबीयत पर गुबार क्यों छा गया? आपने देखा नहीं फिर मुझसे, इधर हमने अपने आप को खुशनसीब कहा, उधर आसमान से तारा टूट पड़ा। सितारे टूटा ही करते हैं आदि क्या, इससे हमारी जिंदगी के निजाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझसे सितारे का टूटना बदकिस्मती और नहुसत की अलामत है। आली जा, हमारी किस्मतों का मालिक वो है जो इन सितारों को आसमान की छत पर जोड़ता और तोड़ता है। आली जा, आज के दिन किसी वहम और अंदेशे को दिल में जगह न दीजिए। अल्लाह ने बड़े अरमानों के बाद आपको औलाद अदा की है, और अल्लाह की देन पर जी भर कर खुशियां मनाना सबसे बड़ा शुक्र है। शादमानी की प्यासी हो रही है आलिजा। खूब, हम इसलिए आम देते हैं, हमारी रियाया पर मुसरत के खजाने खोल दो। जिंदगी का गरीबान टटोल कर हर छुपी खुशी बाहर निकालो, हमारी शहजादी पर निछावर कर दो। बामुलायदा होशियार निगाह रूबरू, बादब बामुलायदा होशियार निगाह रूबरू, डब्बा मुलायदा होशियार। हमारी तमन्ना सलाम कहती है मलका। शहजादी हुजूर को अपने मुबारक हाथों से घुटनी दीजिए आलम पना। जान की अमान मिले आलम पना, हमने अमान दी,
बयान हो। आली जहा शहजादी अपने साथ बेशुमार नहुसतें और बर्बादियां लेकर आई है। अन्नदाता, यदि राजकुमारी का पालन पोषण राजमहल में हुआ तो राजा और प्रजा दोनों पर बवाल आ जाने का भय है। शहजादी अपने माँ बाप के लिए दुख, दर्द और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं ला सकी आलमपना। शहजादी हुजूर के गुरूर का सर दुश्मन के कदमों में झुका देगी आलमपना। ख्वाजा गैदी में ये निकला है कि मूसा की मां ने फिरौन के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। हम इस फाल को तायद गैबी समझते हैं। फौरन संदूक तैयार कराया जाए। बच्चे हमारे हवाले करो भले का, ताकि इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, मेरी ममता पर ये सितम न कीजिए आलिशा। नहीं, हमने एक जिंदा नहुसत को अपनी राह से न हटाया तो हमारी जिंदगी बबूला बन जाएगी मलिका। और अगर इससे मेरी ममता की आगोश से छीन लिया गया तो मेरी जिंदगी एक लंबी आह बन जाएगी। मलिका, हम इस नाशुदनी को अपने तख्त और ताज पर सबका उतारना चाहते हैं। औलाद तो ऐसी अनमोल नेमत है जिस पर माँ बाप अपनी जाने सदका कर देते हैं। लीला, मुझ पर रहम कीजिए, अपने तख्त पर रहम कीजिए जिससे आप दोबारा लावारिस कर देना चाहते हैं। कुछ तो सोचिए जापना, आप अपने घर की अकेली शमा को भी बुझा देना चाहते हैं। इस शमा से हमारे घर को आग लग जाने का डर है। जाओ इधर तो बच्ची। नहीं नहीं, इसे शहजादी की बजाय कैदी और मुझे मलका की बजाय बांदी बनाकर हम दोनों को किसी अंधेरे तहखाने में डाल दीजिए ताकि हमारा साया तक काप पड़ना पड़ सके। हम कहते हैं डर दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मेरी ममता का अंगारा पर नगे सीटो। हमारे कान नहीं सुनने के आदी नहीं। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को। आदम जान, आदम। मुर्शिद, मेरे शाख आरजू का वो कड़वा फल जिसे खाए तो पछता है, न खाए तो। आलम पना, शहजादी के मुंह में शहद रख दीजिए। Thank you.
बच्ची की बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा बेटा, अब मैं कब्र में पैर लटकाए बैठी, जमजम जिए मेरी सस। आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी सारी जायदाद सस्ती के लिए देती हूँ। भाई, अब दो दो मुबारकें हो, एक सस्ती की और दूसरी जायदाद की। ये सब अल्लाह की देन है भाई मौजूद। दीदारे, अल्लाह ने दिन फेर भी दिए, फिर भी काम का जाओ ना गया तुम्हारा। ये नौकर मुस्कंडे किस दिन काम आएगा? काम बहुत बढ़ गया है सस्ती की माँ, नौकर खत्म नहीं कर सकते। तो फिर रख लो दो चार छह और नौकर, रोकता कौन है? और ऐसी उम्र मेरे लिए। अब्बा को दे दे। अजी, मैंने कहा देख ली अपनी लाडले की जिदे। बच्चा है। बच्चा है। मल मल के नहाया न करो, और सोए 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 आग पानी में मेरी जान लगाया न करो। ओए जियो सती हजूर, जियो जियो। क्या बात है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता चाचा जी। लड़की एक डर गई है शायद, और उनके शोर से मैं डर गया। हेलो जी, रही थी और ये हजरत पाक शंकर रहे थे, शर्म भी तो नहीं आती? सवाल ही पैदा नहीं होता,
क्यों गया हूँ? नादार ना हमदार, ये क्या हरकत? अब्बा जान, मैं वहाँ चींटियों का चावल डाल रहा था कि ऊपर से ही आ गई। अब भागू तो मुश्किल, ना भागू तो मुश्किल, लटक गया बीच में। अब्बा जान, वैसे तो आप जानते हैं मैं कितनी शर्म वाला हूँ। अब्बा जान, ये हमेशा मेरे साथ छेड़खानी किया करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तौबा तौबा, इन सबको अपनी बहनें समझता हूँ। फिर भी तुम्हें अदब से काम लेना चाहिए दारा। जहाँ लड़कियाँ नहा रही हों वहाँ जाना बहुत बुरी बात है। चचा हुजूर, इन टांगों को ना तोड़ दूं जो कभी उधर का रुख फरमाए। पर मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ घाट पर बनिए के शान की तरह क्यों ऐंठ रहे हो? माँ की तबीयत खराब थी, कुछ उसकी भी फिक्र है। सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बीमारी दवा भी बन सकती। खैर, जाता हूँ हकीम साहब की तरफ। लो ये गया वो गया। लड़कियाँ बहुत खेल चुकी, अब अपने अपने घरों को जाओ। जाओ बेटा, तुम दोनों भी जाओ। अच्छा खाली जान, आ सकती आ रही है। हाल रमल नजूम, आरों का हाल पूछो, दिल का सवाल पूछो, किस्मत का हाल पूछो। है नदिया नजूम की जारी, नहाले जिसका जी चाहे, मुकद्दर रखना अपना आजमाले जिसका जी चाहे। हाल रमल नजूम। चलो सितारा, नजूमी को हाथ दिखाएं। हमारी सख्ती है। ए बाबा, जरा देखो तो हमारी बानों की रेखा। रेखा मांगे लेखा, पहले दक्षिणा, दक्षिणा तांबे की दोगी तो तांबे जैसी किस्मत, चांदी की दक्षिणा दोगी तो चांदी जैसी किस्मत। पहले लेखा दो फिर रेखा दे। ये लो जरा अच्छी तरह से देखना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाप की? उसका क्या नाम है, वो कौन है? ये मेरे खालू चौधरी अत्ता की बेटी है, जो सारे भंगोर के धोबियों का सरदार है। सारे भंगोर के धोबियों का सरदार है? मगर इसके हाथ की रेखा तो ये कहती है कि ये लड़की जन्म की शहजादी है। भगवान झूठ ना बुलाए, इसका विवाह भी किसी शहजादे से होगा, यानी के राजकुमार से होगा। लो जी और सुनो। अरे बाबा, अभी भंगोर के धोबी में कोई शहजादा पैदा नहीं हुआ, और हमारा बादशाह तो बेचारा बेहलाद है। अरे तुम मानो चाहे ना मानो, वो शहजादा पश्चिम देश की ओर से आएगा। और वो यहाँ क्यों आएगा? इसकी मोहब्बत लाएगी, इसका प्रेम लाएगा, क्यों आएगा? मेरी मोहब्बत वो कैसे? वो देख, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों प्रेमियों का प्रेम ऐसा प्रेम होगा जिसे स्वर्ग लोक के देवता भी देखकर दंग रह जाएंगे। हमने रेखा में जो कुछ देखा तुमने बतला दिया, आगे भगवान की जैसी इच्छा। चले चले। रही है कि ये लड़की जन्म की शहजादी है। भगवान झूठ ना बुलाए, परंतु इसका विवाह भी किसी शहजादे से होगा, यानी कि राजकुमार से। हाँ,
इसलिए कि चांद को नजर न लग जाए। चल बेटी अब सो। गजाला को मिकरान वापस पहुंचा दिया जाए। शेरगुल का मकसद नहीं हुआ क्या? वो जब जाने जाना आप जो गजाला को वापस दे देगी तो दो आदमी और कम हो जाएगी। मुझे अब बेचारा आ गया है तो चलने दो हमारा साथ। प्रदेश का मामला है, कभी होगा तो पेशावरी करेगा, वही लोश है उसके साथ। शेरगुल कुछ हजूर का जाना माल कटवा देकर खानता था, कुछ आपका नाम होगा वो अपना को काम होगा। बड़े शरीफ वही कुर्बान डेरा डेरा मेरा वाली। काम पर जाकर कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहती है। इजाजत? ये नशे में डूबी हुई शिजाएं, ये मौसम, ये महकी हुई चांदनी, कितना खूबसूरत डैडी जान का हमारा।
इतनी सवेरे में कहाँ चले गए? वो सप्पा के शिकार तो चले गए हो? खबर की है? और कुछ खाया भी तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो जा कहाँ सकते हैं?
दे मेरे शहजादे। ये ख्वाब है, हकीकत है मेरी सच्ची। सच? कितनी मेहरबान है किस्मत, मेरा ख्वाब सच्चा साबित हुआ। मेरे ख्वाबों में भी तुम थी। तुम आ गए, मैंने आबे हया और तुमसे मिलने के बाद मुझे भी यूं महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। शशि, तुम्हारी आंखों में आंसू। ये खुशी के आंसू से तुम, लेकिन लेकिन मैं डरती हूँ तुम्हारी मोहब्बत मुझे लोरियां देकर न सुला दे और तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर चले जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोहब्बत वापस लौटना नहीं जानती। मैं तो रोजे अजल से तुम्हारा। शेरगुल भी आया था और मेरे साथ मेरी सहेली सितारा भी आई थी। आप फिर देखें। खाना खराब कर दिया तो सारा मामला चौपट कर दिया। पठान का बच्चा आज रात जन्नत का सैर करती थी। वक्त खुदा की कसम तुम्हारे एक आवाज ने हमको फिर से दुनिया में खींच लिया। मुझे क्या किया, हमारों को सत्यानाश कर दिया।
बोल तो भला, क्या दिखा है ख्वाब में? एक शहजादा, सचमुच का शहजादा। आगे ना सुनिए नजुमी की बातों में, मजाक मत करो सितारा। अच्छा बता तो कैसा था वो शहजादा? बहुत ही खूबसूरत, जैसे चांद। हम दोनों ने मोहब्बत का इतराफ किया, लेकिन शैतान हमारे आड़े आया और ख्वाब टूट गया। न जाने वो कौन था और कहाँ है। हम तो आपको हर वक्त खुश रखने का कोशिश करती है। आपको अठाने के वास्ते ये पठान का बच्ची रोटी है। कुछ कुछ बताओ तो सही, माजरा क्या है? शेरगुल जी, जब से सरदार बबन बबिया ने सिंध की उस माँ जबीन शशि के हुस्न के अफसाने सुनाए हैं, हम अपने आप को खो बैठे हैं। शहजादा जी,
उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए मुझे गजनी से यहाँ तक का सफर इख्तियार करना पड़ सकता। हम इसके मुंह मांगे दाम देंगे। इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती कानू, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। शुक्रिया, आओ सबसे चले। वाकई कुदरत का हसीन और जमील शाहकार जिसके दीदार के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सस्सी, मुसव्विर फितरत गजनी खां तशरीफ लाते हैं आलम पनाह। तस्लीमात शहजादा हजूर। खुश आमदीद गजनी खान, तशरीफ रखिए। बड़ी मुद्दत के बाद वापसी हुई। कहो, सिंध के सफर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? साहब आलम, यूं तो सरजमीन सिंध जन्नत का एक हसीन टुकड़ा है, मगर शहर बंबोर में रहने वाली खूर उससे भी कहीं ज्यादा हसीन है, जिसे जान भी देखकर अपना मुंह छिपा ले। सरदार बबन बबिया ने भी उसका जिक्र हमसे किया है, क्या उसका नाम? जी, एक मामूली धोबन। मुसव्विर, उस जाने तमन्ना को धोबन कहकर अपने मजाक और हमारे जौ के नजर की तौहीन ना करो। हमें उस शहजादी के बारे में और कुछ बताओ, इतना कुछ बताओ कि हम सुनते सुनते सो जाएं और सुबह कयामत को जब आंख खुले तो उसका फसाना बराबर जारी रहे। साहब आलम, वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ लाखी बाग की सैर को आती और तब वो सब सितारों के झरमट में चांद नजर आती। और हाँ साहब आलम, खानाजाद की जरूरत नवाब, कहो इजाजत है। उस मलका हुस्न ने आपकी तस्वीर तोहफे के तौर पर मुझसे मांगी थी, मगर अफसोस मैंने देने से इनकार कर दी। मुसव्विर, ये तुमने क्या जुर्म किया? इससे बेहतर था कि तुमने इनकार करते वक्त हमारे सीने में खंजर भोंक दिया होता। गुलाम की खता माफ आलम बना, मुझे मालूम न था कि आपके दिल में उस परी पैकर का हसीन तसव्वुर उतनी ही जगह ले चुका है जितना कि आईने में किसी का आंख। शहजादा हजूर, बादशाह सलामत ने इनको याद फरमाया है। गजनी खान, अब्बा हजूर से मिलने के बाद सीधे हमारे पास आना। बहुत बेहतर आलम बना। शेरगुल, सुना तुमने सब कुछ? आलम बना, साथ दो हमारी तस्वीर को। शेरगुल का मगज में बच्चा और जनाब का मगज ने नाशपाती। शहजादा आलम वो बंबोर का दोबन से इश्क पर बात को मत वो जाने जाना है, वो कैसे समझाऊं? यह बंबोर, यह मकरान, दोनों का बीच में कंजर और आपस में दोनों का सख्त दुश्मन है। वो आप दुश्मन का मोलक में इश्क फरमाते हो, क्या करते हैं भाई? मोहब्बत का जाना है शेरगुल, मोहब्बत सोचा नहीं करती। पता करो, तबे करो, कौन काफर का बच्चा मना करती? पर बादशाह सलामत से तो पूछो, पठान देती है वो तुमको कैसे इजाजत देती? बहरहाल इजाजत मिले या नहीं, हमें जरूर जाना होगा।